आज से कई साल पहले एक आदमी अपने घर में मरा हुआ पाया गया। उस आदमी को कॉइंस कलेक्ट करने का बहुत शौक था और वो कई सालों से अपने परिवार से दूर अकेले ही रहा करता था। उस आदमी के मरने के कुछ दिनों बाद जब उसके परिवार वाले आए उसके घर को खाली करने, तो उन्होंने कॉइन कलेक्शंस को मिसिंग पाया। कुछ ही दिनों बाद उन लोगों ने उस घर को बेच दिया, मगर कुछ सामानों को उन्होंने उसी घर पर छोड़ दिया और उन सामानों में शामिल था ये लाल सोफा। कहां गए वो सारे कॉइन्स? तो हुआ यूं कि 5 मेंबर्स की एक फैमिली ने उस घर को खरीद लिया और जब पेरेंट्स शिफ्टिंग का सामान घर में ला रहे थे तो उनके बच्चे सोफा पर खेल रहे थे। अचानक सोफा से कुछ आवाज आई जिसे सुनते ही वो तीनों डर से वही जम गए। सोफा के अंदर से किसी ने एक वर्ड बोला, काइंस। ये सुनते ही वो तीनों भागकर अपने रूम में चले गए। उसी रात जब वो तीन बेड पर बैठ के कुछ गेम्स खेल रहे थे तब अचानक फिर से उन्होंने किसी को काइंस बोलते हुए सुना। उस छोटी लड़की ने बेड से उतरकर सीधे टेबल में रखे पिगी बैंक को ले लिया। फिर वो नीचे गई और सोफा पर पिगी बैंक से कॉइन्स निकालने लगी। अचानक सोफा के अंदर से एक हाथ निकलकर एक एक करके सारे कॉइन्स को ले जाता है। फिर उस छोटी लड़की को कॉइन्स चबाने की आवाज सुनाई देती है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कॉइन्स पसंद है ना? एक अजीब सा क्रिएचर सोफा से बाहर आकर उसको बोलता है। उस दिन के बाद वो लड़की रोज रात को उस अजीब क्रिएचर को कॉइन्स देने लगी, मगर उसके पेरेंट्स के पूछे जाने पर वो कोई रिस्पांस नहीं देती। एक्चुअली वो उनके किसी भी बात का कोई रिस्पांस दे ही नहीं रही थी। ऐसा मानो जैसे वो किसी बहरे से बात कर रहे हो। इन सब से परेशान होकर जब उन पेरेंट्स ने अपने दो लड़कों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सोफा के अंदर उनकी बहन का एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम है नूरपो। वो रोज रात नूरपो को कॉइन्स खिलाती है और अब वो बस उन्हीं की आवाज सुन सकती है जिन्हें नूरपो पसंद करता हो। ये सुनते ही वो दोनों डर के मारे अपनी बेटी के पास भागे। उनकी बेटी उन्हें एक बड़ी स्माइल करके देख रही थी। अचानक सोफा के अंदर से दो हाथ उन दोनों को पकड़ कर सोफा के अंदर ले गया। वो छोटी लड़की वही बैठी स्माइल करते हुए एक ही बात दोहराती है, काइंस, काइंस, काइंस। नूरपो का ओरिजिनल क्रिएटर है जैक स्टोबर। इस 25 सेकंड के नूरपो सॉन्ग को सुनते ही आपको नूरपो के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। Nerpo, 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 he eats the coins you drop between the cushions of your couch. He converts them into dopamine from inside of his mouth. He says amazing things but only whispers to the deaf. He speaks of what adults can't remember and children haven't the words to describe. ट्रेवर हेंडरसन ने नूरपो के प्यारे कॉइन्स खाने की स्टोरी को एक डरावना लुक दे दिया, जहां हमें नूरपो बस कॉइन्स खाते ही नहीं बल्कि लोगों को हिप्नोटाइज और मर्डर करते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही उसका सोफा भी एक नॉर्मल सोफा नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होता तो ये दोनों अंदर फिट नहीं हो जाते। शायद सोफा के अंदर बहुत जगह हो सकता है या फिर उसके अंदर एक अलग ही दुनिया हो सकती है, नूरपो की दुनिया। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था और ये देखो जीते हुए पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। तो भाई लोग अभी जाओ skillclash.com पर साइन अप करो और लाखों में कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।